आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मच्छर मारने का सबसे आसान और घरेलू उपाय, जिससे कि आपको बाजार से कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट या फिर कॉइल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए में अपने घर के सारे मच्छरों को भगा सकते हैं और अपने पास आने से भी रोक सकते हैं। आइए जानते हैं ये नुस्खा क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नया और इंटरेस्टिंग वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है, बरसात में मच्छर भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गर्मियां खत्म होते ही जैसे ही बरसात शुरू होती है, मच्छर उसके साथ बढ़ने लगते हैं और ये मच्छर किसी भी कॉइल से या रिपेलेंट से नहीं भागते। जैसे ही आपकी कॉइल खत्म होती है, उसके बाद फिर से मच्छर आके आपको काटना शुरू कर देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एक बार अगर किसी खतरनाक मच्छर ने हमें काट लिया तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ना जाने कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए आप इस नुस्खे का एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। इसके लिए जो मैं चीजें इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो ये नींबू और दूसरी चीज है ये लौंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लौंग रखी हुई है। आपको इतनी सारी लौंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 लौंग काफी है। तो आपको नींबू को काटना है, उसके बाद इसके 2 हिस्से करने हैं। मैंने यहाँ पे नींबू काट के रखा हुआ है। अब आपको जब आप सोने जाएं तो सोने से ठीक पहले आपको इस नींबू के अंदर इस तरह से लौंग लगा देनी है। एक नींबू में आपको कम से कम 10 से 12 लौंग डालनी है। दोस्तों, लौंग की जो खुशबू है उससे मच्छर दूर भागते हैं, साथ ही साथ ये जो नींबू है इसकी स्मेल से मच्छर आपके करीब नहीं आते। इस तरह से आपको नींबू में लौंग घुसानी है और इसके बाद इसे अपने बिस्तर के पास या फिर जहां पर भी आप सो रहे हैं वहां पर इसको आपको रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मच्छर आपके पास नहीं आएंगे और मच्छर आपको नहीं काटेंगे। ये आसान सा उपाय एक बार करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है, इसका असर होता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की।